पवन खेसारी जी के पास फिल्म करने से, उनके साथ फिल्म करने से पहले आपको उनके मैनेजर और उनके कुछ लोगों के साथ आपको समझौता करना पड़ता है या एक्ट्रेस को? अभी इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, बट कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी कहीं से, क्योंकि मैंने खेसारी जी के साथ कुछ काम कर रखा है, दो चार गाने कर रखे हैं। पवन जी के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था जो कि रिलीज़ नहीं हुआ, टेक्निकल कुछ इश्यूज़ हो गए थे उसमें। तो हालांकि मेरा तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ होते ज़रूर हैं जो चाहते हैं कि मतलब इनके नाम पर हम अपना फ़ायदा कर लें कुछ, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी लड़की को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो वो चाहते ज़रूर है आसपास वाले, बट डिपेंड करता है लड़कियों के ऊपर भी कि वो क्या चाहती हैं। अगर सारी लड़की एक जैसी हो जाए तो इस इंडस्ट्री में फिर कल को अच्छे दिन आ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। कहाँ नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, इंडस्ट्री ही नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। लोग इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। भोजपुरी इंडस्ट्री में है, डेफिनेटली है, मैं मना नहीं करती क्योंकि मैं खुद आज इसी इंडस्ट्री में हूँ और मैं देखती हूँ ये चीज़ें, बट ये हिंदी में भी है, साउथ में और ज़्यादा है, और कॉमर्शियल इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक लड़की ऑफिस में काम करती है तो ये चीज़ें उनके सामने नहीं आती होंगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये होता है, ये हर जगह पर है, पूरी दुनिया में।